लगातार ये चेक कर सकते हो आप, यहाँ देख रहे हो कितने ट्रक खड़े हैं, ये इस वजह से खड़े हैं कि अपना कानपुर लखनऊ हाईवे जो है भाई उसमें कुछ काम चल रहा था, बंद कर दिया गया है। अब मैं रोड पे आया हूँ, पापा घर पहुँच गए। ओ भाई ये चेक करो भाई, कानपुर का टैलेंट चेक करो भाई, देख रहे हो यहाँ तो सांप निकल के गया, सब मर गए ना, सब नहीं मरे, मर जाइए लेकिन। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, होप करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत देखो कैसे हो रही, चलते चलते। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हैं वो सब कुछ आपको अभी पता चलेगा। तो एक काम करो, सबसे पहले चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। भाई ये गाड़ी चेक करो आप, हुंडई एक्स्ट्रा भाई, क्या गाड़ी है, मस्त एकदम, आज अपने एरिया में पहली बार देखने को मिल रही है, तो काफी अच्छा लग रहा है इस गाड़ी को देख के। चलते हैं, पापा मेरा वेट कर रहे हैं रोड पे, निकलते हैं, पापा को लेते हैं फिर निकलेंगे। तो यार मैं आ गया रोड पे, पापा घर पहुंच गए हैं, पापा को एक्चुअली सामान वामान लेना। पापा बोलने लगे कि तुम जब तक गाड़ी साफ वाफ करके आओ मैं तुमको रोड पे मिलता हूँ। अब मैं रोड पे आया हूँ, पापा घर पहुंच गए। ओ भाई सुबह सुबह इतनी दिक्कत है, भगवान कैसे चलेंगे हम लोग आगे। तो चलो पापा आते हैं फिर निकलते हैं। आप वहाँ चले कहाँ गए थे? यहाँ पे केला लिया है। गए कहाँ थे? यही पीछे वाली गली में घुस गए हो गए? बाजी में जाते हैं हम, यहीं से तो आए हैं अभी, हमें तो आप नहीं दिखे थे, खरीद के बस सीधे हम चले गए। मम्मी कह रही थी कि चले जाओ और पापा तुम्हें मिलेंगे, कह रहे थे देख लो फोन कर दो, हमने कहा मिल जाएंगे। और जब वहाँ पहुंचे तो देखा अब कह रहे हो हम, अच्छा फोन भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, देखा कि फोन आ रहा था, हम उठाया, हम फोन देख भी नहीं पा रहे थे। तो निकल गए भाई, पापा को ले लिया है, चलते हैं जल्दी से और दिखाते हैं आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भाई वहाँ जाने का मतलब, अगर आप मेरी फैमिली में किसी से भी कह दो तो भाई सब जाने के लिए रेडी है, ऐसी जगह हम लोग जा रहे हैं। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, चलते हैं देखते हैं, भाई से भी आपको मिलाएंगे। भाई मैंने बोल दिया तो समझ चुके होगे आप लोग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अगर गेस कर लिया अभी तक तो कमेंट करो फटाफट से, और इस टाइम को मार करके बताना कि हाँ आपने गेस कर लिया था। तो चलो जल्दी से चलते हैं। देखिए भाई अपने भारत का टैलेंट, लिटरली बता रहा हूँ, छोटा सा बच्चा एकदम छोटा सा ट्रैक्टर चला रहा, वेरी गुड यार, जरूर था वो आ रहा पीछे करके। ये देखो भाई जबरदस्त, भाई एक नंबर। ये है भाई अपने कानपुर का टैलेंट, चेक करें आप। यार ये एक नंबर, वेरी गुड भाई, ये चेक करो भाई, कानपुर का टैलेंट चेक करो भाई। लिटरली स्टार्ट में धक्का का मार के लोगों ने, अंकल लोगों ने धक्का मारा जिसे उसने स्टार्ट कर लिया भाई, मजा आ गया। तो देखा भाई ये अपने कानपुर का टैलेंट, छोटे छोटे बच्चे लिटरली भैया ट्रैक्टर चला रहे हैं, हम लोग तो बहुत बाद में सीखे कार वार चलाना। निकलते हैं यहाँ से, वो भी लोग सोचे कि आखिर ये लोग कर क्या रहे, वीडियो बना रहे हैं, भाई यार तुम्हारा टैलेंट है यार दिखाना तो बनता ही है। वैसे अब ये खेत वगैरह में चलता ट्रैक्टर कोई वो हाईवे पे चला नहीं रहा है, जो कह दें कि नहीं यार वो गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है, भाई अपने घर पे चला रहा है जरूरत पड़ती कभी कभी तो सही है, बढ़िया है भाई, मेरी तरफ से भाई अप्रिशिएशन है भाई लड़के को, भाई मस्त काम, अच्छा काम कर रहा है भाई। एक बार आप ये हरियाली देखो भाई, देख के इतना अच्छा लगता है ना, ये क्या ही होता है यार, अपने शहर में ये सब हरियाली देखने को नहीं मिलती, यहाँ आते ही देखो एकदम ऐसा लगता है कि यार मन कुछ अलग ही सा एकदम खुश हो जाता है यार, इतनी हरियाली नेचर ब्यूटी देखने में क्या ही कहना है। ये देखो आप एक चेक करो एक बार, ये देखो नेचर ब्यूटी, जब आप चारों तरफ देखो ना, खेत वेत एकदम खेत हो गए, ग्रीन फील्ड्स हो गए, तो एक अच्छा लगता है अंदर से, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आप समझ सकते हो कितना अच्छा लगता है। तो वही हम लोगों ने कहा भाई, मैं वैसे भी जमीने आता हूँ, जमीन से जुड़ा रहने की कोशिश करता हूँ, तो इसी वजह से इन सब जगहों पे आना ज्यादा प्रीफर करते हैं, बाकी बड़ी बड़ी जगह सभी जाते रहते हैं, लंदन पेरिस आजकल हर कोई जा रहा है, लेकिन यहाँ आने में कहते हैं अरे यार क्या वहां जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, भाई यहाँ एक बार आके देखो, लिटरली बता रहा हूँ अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी यहाँ आके एक बार आप देखो। तो ये देखिए भाई
ये क्या है? अबे इधर आओ तो भाई। कहा कर क्या आ रहा हूँ? कहा गोभी में भाई, ये देख रहा हूँ जोकर लग रहा है बंदा, पूरा जोकर। जरा सा बड़ा रहा है वो, हम चला चला के जा। हाँ यार, इससे थोड़ा ही बड़ा होएगा ट्रैक्टर चला रहा था। धक्का मार जी टायर, जा 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 ट्रैक्टर। हां चला ले भैया, अरे गिना तो कर। तो भाई निकल चुके हैं हम लोग, खेत में जा रहे हैं। देखेंगे आज आप लोगों को दिखाएंगे क्या खेत में क्या लगा हुआ है। गोभी, गोभी यहाँ पे गोभी की खेती होती है, और प्याज व्याज रहता है वो तो सब समय के साथ है। ये सीजन जो है गोभी का है, तो गोभी अभी लगी हुई है, दिखाते हैं चल के। गोभी मस्त। ये रास्ता देख करो, ये रास्ता देख रहो भाई, जब बचपन में आते ना यहाँ सांप आप रहते थे, है ना? अभी भी आते हैं ना यहाँ पे, लिटरली मैं बता रहा हूँ, सांप आप सब रहते थे। लेकिन यहाँ आके अच्छा लगता है, मजा आती है। अब मैं बता रहा हूँ, सुबह से देखो आपने देखा कि हम लोग यहाँ आ गए। अभी तो ये वीडियो बहुत देर बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इतनी जगह हम लोग गए, इतना मजा किया पूछो नहीं भाई। और हम दोनों भाई गेम भी खेलते हैं, वही गेम खेल लेते हैं पबजी वाला। उसके बाद अभी हम लोगों ने खाना ना खाया, थोड़ा सा रेस्ट करके तो सोचा थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, तो वही वॉक कर रहे हैं। ये देखो आप, ये अलग ये अली रास्ता देख के आ रहा है, घूमना में है कोई, ज्यादा नहीं गाऊंगा कॉपीराइट आ जाएगा गाइस। ये देख रहो कोई दूर दूर से सांप की वो बनी है, ये चेक करो आप, देख रहे हो यहाँ तो सांप निकल के गया अचानक से, ना बताओ भाई डर जा रहे हैं। ये देख रहे हो आप, ये देखो ये सब सांप का है ना, ये सब जो छेद है सांप बिच्छू, इसमें से आते निकलते हैं भाई। अबे पेड़ ये कैसा हो गया भाई, सूख गया है तो एकदम, बहुत घना पेड़ था यहाँ पे, सब सूख सा गया। बहुत दिनों बाद भी तो आए ना, बात यही है, बहुत दिनों बाद आए हैं इसी वारे। ये भी किसी का पेड़ भाई, बचपन में जब आते थे यहाँ हालत खराब होती थी सुबह सुबह ना अच्छा। लेकिन पहले जब हम लोग आते थे ना तो रुकते भी थे, क्योंकि भाई बाइक से आए अब इतने दिनों बाद आते थे तो रुकते थे। अब तो पता लगा सुबह आए शाम को भागे घर। पहले रास्ता भी इतनी अच्छा नहीं थी, हाईवे वगैरह जो था वो इतना साफ नहीं था। यहाँ से जो हाईवे तक का रास्ता है 3-4 किलोमीटर, वो भी दूर था। तो ये होता था कि यहाँ पे आए, इधर से चलना है, तो ये होता था कि चलो जब यहाँ आए हैं 2-3 दिन रुक जाएगा। तो हम लोग यहाँ रुकते थे, सुबह सुबह गंगा जी के किनारे जाते थे, नहाते थे मस्त भाई, बड़ा मजा आता था। अभी भी आते हैं, लेकिन अब कभी कभी आए और तुरंत ही निकल जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को पीछे देख पा रहा हूँ, ये सब जो खेती है ये गोभी की खेती है। अब ये तार कैसा लगाई, बड़ा हल्का तार लगाई ना, वही तो रस्सी है। अभी ये जरा जरा से किए हुए है ना। अबे भैया आप देखो, चेक करो यहाँ से लेके पूरे में, पूरा 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 हे भगवान, पूरे में गोभी। ये जो गोभी है ये अपने प्रयागराज, लखनऊ, अच्छा उड़ीसा, उड़ीसा मतलब भाई ये समझ लो कि अपना जितना नॉर्थ का है पूरा कवर करती है यहाँ की गोभी। क्योंकि यहाँ की गोभी जो है ना देसी गोभी होती है, और देसी सब्जियाँ जो हैं आप खाओगे तो अच्छा लगता ही है। तो भाई ये अभी इतने समय में भाई से बोल रहा था कि आ जाओ, कह रहा नहीं अभी काम चल रहा है तो नहीं आ पाएंगे। अभी 2-3 महीने में जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तब ये डेफिनेटली आएगा, तब इसके साथ हमने कुछ प्लान किया है, वो सब आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी आप चेक करो, पतली सी रास्ता, इसी पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा यहाँ हाँ, तब ये दवाई लायक हो अभी तो गए वाली, ये तो हमें लग रहा बाद को लगाए गए, तभी छोटे छोटे हैं। इसमें कितने दिन बाद पौधा आने लगेगा, फूल? हाँ एक महीने बाद आने लगेगा। इस वाले में कि उस वाले में? अच्छा यार, गोभी में मैंने सुना कि इतना उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक दो बार पानी लगाओगे आप, जैसे गेहूं में होता है सेम एज इट इज इसमें भी होता है। तो इसी वजह से लोग गेहूं पे और गोभी इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे बाजरा वगैरह होता ना, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती भाई, अब वो हर किसी से ऐसे सबसे नहीं हो सकती है, तो इस वजह से इन्हीं सब की खेती ज़्यादा करी जाती है अपने इधर पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा घास जो होती है ना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इस तरीके से जला दिया जाता है, इसी कहते हैं क्या पराली जला दी है। ये कहते हैं कि वो एयर पॉल्यूशन, भाई एयर पॉल्यूशन वोल्यूशन कुछ नहीं होता, जो गाड़ियाँ हैं उसमें उससे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन ये क्या ही होगा, सब फालतू कहने की बात है। यहाँ हवा आप चेक करो कितनी
अच्छी हवा आ रही है, आप लोगों को माइक से आ भी रही होगी आवाज। घर पर बैठे थे ना, थोड़ा गर्मी लग रही थी, हम लोगों का चलो टहल के आते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये ट्रैक्टर देख रहे हो कितने साल पुराना है, 20 साल 24-25 साल पुराना ट्रैक्टर होगा भाई। इसको जब लाया गया था तो साथ में पापा भी गए थे, ये समझो आप अभी भी ऐसे खड़ा है। पापा कह रहे हैं इसको बेच दो, लेकिन इसको बेचा नहीं जा रहा, ठोस लोहा जिसको कहते हैं वही है यार। भाई बैटरी नहीं बची ना मेरे में, इनको जैसे यहाँ आएगा गेम खेलना है। भाई आप भी चैनल बनाओ, बहुत वायरल होएगा यहाँ का, सब बना बना के डाला करो, लोग देखेंगे, व्लॉगिंग किया करो, व्लॉगिंग। अच्छा भाई आप लोग कमेंट करके बताओ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, देखने में भी स्मार्ट लगता है, हैंडसम, लड़कियां फिदा हो जाएंगी। हटाया हटाया, अब बताएंगे चैनल बन जाएगा कैसे, बताओ ये कर पाएंगे, कहेंगे सोचेंगे लड़कियां फिदा हो जाएंगे, मैं नहीं डालूंगा। भाई पीछे आप मौसम चेक करें एक बार, कितने अच्छे मौसम पे हम लोग यहाँ आए भाई, एक नंबर मजा आ रहा है। तो अभी जस्ट थोड़ा सा काम वाम आ गया घर पे, तो निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि यार घर पे जाना भी ज़रूरी है, थोड़ा काम वाम भी करना है। आज तो पूरा फुल डे आउट हो गया, काफ़ी मज़ा आई है। अब देखते हैं जब भाई आएगा तब भाई के साथ कभी निकलेंगे कहीं, अब ये तो आने से भी रहे, ये 2-3 महीने में ठंडियों में ही आवत है यहाँ हमारे घर में, जनवरी में आइए ही। खिचड़ी खाएँ कहे, मैं बुआ के लड़के हैं ये, मामा क्या जाया ही जाता है तभी आते हैं ये। अभी आप मौसम को एंजॉय करो, जल्दी से चलते हैं घर पे, बुआ से मिलते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। भाई ने यहाँ पे इसमें दवाई वगैरह डाली थी, सब कीड़े मर गए, वही दिखा रहा भाई। टाइम तो पड़ गया नहीं तो सब पूरे लग जाते हैं, देख के लगे चप्पे। अच्छा हाँ यार ये देखो सब मर गए ना, ईसा अभी नहीं मरे, मर जाए हैं लेकिन जीता को मरे वाले पड़े। अच्छा हाँ ये पड़ता है, खतरनाक चीज है। और वहाँ बेचारों को इन लोग को वो लगानी पड़ती है तार ना, कांटे वाले तार। अच्छा हाँ गौशाला बन गई तो यहाँ से सब वहाँ चले गए, यहाँ कितने बहुत रहे हैं आदमी, रात का 11-12 बजे तक यहाँ लेटा रात रहता। अच्छा हाँ हमने सुना था उनकी शादी में, क्या नाम है, सागर भाई की शादी में। तो पूरे दिन मस्ती करने के बाद भाई निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए, बड़ा मजा आया सारा दिन यहाँ पे, मुझे पता था यहाँ आऊंगा तो मजा आएगा ही यार, इसी वजह से हम लोग आए थे यहाँ पे। अब निकल रहा है घर के लिए, आप लोग पीछे चेक करो, धूप भी हल्की हल्की आ गई है, सुहानी सी धूप है, मस्त हवा चल रही है, क्या कहना है, वाह भाई एक नंबर। तो निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, टायर में यार थोड़ी हवा भी कम दिखा रहा है, डलवाते हैं जल्दी से चल के। तो यार ये चेक कर सकते हो आप, यहाँ देख रहे हो कितने ट्रक खड़े हैं, ये इस वजह से खड़े हैं क्योंकि अपना कानपुर लखनऊ हाईवे जो है भाई उसमें कुछ काम चल रहा था, वो बंद कर दिया गया है। मे भी शायद लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो काम चल रहा है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे, इसी वजह से इतना जाम है। जस्ट आप चेक करो सारे ट्रक लाइन से लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये जो लखनऊ वाले हैं वो इधर से जा नहीं सकते हैं, उन लोगों को फतेहपुर से जाना पड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पर इतने जाम लगा हुआ है। तो अगर आप लोग भी जा रहे हो तो भाई चेक कर लेना, कि आप ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर जा रहे हो चेक कर सकते हो आप कितनी पुलिस लगी है, भारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है कि कोई ना जा पाए। तो ये सिर्फ बड़े ट्रक्स के लिए है, बड़े वाहनों के लिए है, छोटे वाहन तो आराम से जा सकते हैं। आप जस्ट चेक करो एक बार जाम कितना जो है यहाँ पे। तो यार मैंने सोचा ये आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, तो अगर आप लोग जा रहे हो तो ज़रूर ध्यान रखना, अगर लखनऊ जा रहे हो तो आपको ट्रैफिक ज़रूर मिलने वाला है। अगर आप चाहें जाजमऊ वाले पुल से जाओ या किधर से भी जाओ या शुक्लागंज वाले पुल से जाओ, किधर से भी जाओगे आपको जाम डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को मना है, वो लोग मे भी फतेहपुर से घूम करके जा रहे हैं, जो भी मुझे पता नहीं सही से, जितना मुझे पता है वही मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज भाई इतना अच्छा हम लोगों का दिन गुजरा है, तो हम लोगों को पूरा दिन बहुत मजा आया। गांधी जयंती वाले दिन का ये ब्लॉग है जो कि आप लोग एक दो दिन बाद ही देख रहे होंगे। आप लोग यार वीडियो देखते हो यार कमेंट बहुत कम करते हो, कमेंट यार किया करो, अच्छा लगता है कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में,
तो ये सब जानकारी मिलना हम लोगों के लिए अच्छी बात होती है। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि भाई यार आप लोग को वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा है। तो चलो आज के वीडियो में कमेंट कर देना अभी तक कमेंट नहीं किया तो। और भाई मैं जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, वैसे भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है तो यार, लेकिन जो अपनी हकीकत है वही मैं दिखाता हूँ व्लॉग्स में। तो ये मत सोचना कि यार ये क्या देखते हैं क्या दिखाते हैं, तो यार ये सब मत ध्यान देना, जो अपनी लाइफ में चल रहा है वही आप लोगों को दिखाते हैं। और बहुत ही जल्द अपने 30 डेज व्लॉग कंप्लीट होने वाले हैं, जैसा कि मैंने 365 डेज का चैलेंज लिया है कि पर डे मैं वीडियो दूंगा, तो वैसे ही अपने एक मंथ लगभग कंप्लीट होने वाला है दो चार दिन में ही। तो देखते हैं अगर 30 डेज कंप्लीट होने पे अगर कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर सकते हैं तो करेंगे, और अपना चैनल मोनेटाइजेशन के नज़दीक भी पहुँच रहा है। तो चलो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, होप करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.